ये वीडियो को सच में कोई भी नहीं चाहेगा कि आप देखो, स्पेशली दुनिया तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये वीडियो देखो। ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से की जो टेक्निक्स हैं या जो नॉलेज है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, पर घूम फिर के कहीं ना कहीं वो उससे ही जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके काम का वीडियो है, इस ये किसी और के काम का है ही नहीं, और दुनिया चाहती ही नहीं है कि ये चीज़ें आपको पता चलें, आप इस तरह की वीडियो देखें, इस तरह की बातें सुनें, इस तरह की बातों को यूज़ करें और अपने जीवन को बदलें। तो आइए शुरू करते हैं कि दुनिया क्यों नहीं चाहती है कि आप ये वीडियो देखें या ऐसी बातें सुनें या ऐसी बातों का पालन करें। क्यों? सबसे पहली बात तो कि वो बात क्या है जो दुनिया नहीं चाहती कि आप जानें। वो बात है, बहुत सिंपल है, बहुत लोग बोलते भी हैं पर उसके पावर पे हमको भरोसा नहीं है, उसको कैसे यूज़ करते हैं ये हमें नहीं पता, और कैसे उससे आपकी ज़िंदगी रातों रात मिनटों में बदल सकती है ये नहीं जानते लोग। तो कौन सी वो चीज़ है? वो चीज़ है आप अपने आप को प्राथमिकता दें। बस यही इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आज से आप सिर्फ नार्सिसिस्ट नहीं बनना है, सेल्फ लव भी नहीं करना है, अवेयर होना है, खुद के लिए प्रायोरिटी देना है खुद को। आप याद कीजिए, बचपन से लेके जब तक आपकी परवरिश हुई, कितने लोग हैं जिन्होंने आपको बोला कि सिर्फ आप अपना अपने आप को प्रेफरेंस दो, अपने आप को सबसे पहले नंबर पे रखो। किसने बोला? मुझे तो याद है कि हाँ, जब मैं हॉस्टल में गई थी पढ़ने के लिए, जब मैंने BMS का डिग्री कोर्स किया, उसके बाद मैं MD का किया, तब टेक केयर के लिए ज़रूर बोलते थे पेरेंट्स कि अपना ध्यान रखना, बस इतना ही, अपने खाने पीने का ध्यान रखना। पर बेसिक चीज़ ना हमें हमारे शास्त्र सिखाते हैं, ना हमारे टीचर सिखाते हैं, और ये हमारा एनवायरनमेंट, ये दुनिया तो बिल्कुल ही नहीं सिखाती। क्योंकि दुनिया क्या सिखाती है कि उनका ध्यान रखना है। अगर हम अपना ध्यान रखने लगेंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? जिसकी वजह से हम अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, हम अपनी कॉन्शियसनेस खो चुके हैं, हमारे अंदर कितना पावर है हम वो भूल चुके हैं, हमारी आत्मा के कितने गुण हैं हम उसको भूल चुके हैं, और वही आत्मा तो हम में है। हमें पूजा करना सिखाया जाता है, हमें भगवानों के रिचुअल सिखाए जाते हैं, हमें पाठ करना सिखाया जाता है, आरती करना सिखाया जाता है, सुबह शाम सेवा करना उनको सिखाया जाता है, उनको नहलाना, तैयार करना, आरती करना, भोग लगाना, सब कुछ सिखाया जाता है। पर यह नहीं सिखाया जाता कि जो आत्मा उनके अंदर है वही आत्मा हमारे अंदर है। जितने पावरफुल वो हैं उतने पावरफुल हम हैं, पर हम तो अपने आप को पावरलेस समझते हैं। किसी ने हमें थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बोल दिया और हम दुखी, थोड़ी सी चीज़ों में हम रोने लगते, किसी ने हमको बोल दिया तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता, हम रोने लगे। तो ईश्वर होता है क्या? ईश्वर तो शक्ति देता है सबको, तो हमें वो शक्ति का अनुभव करना क्यों नहीं सिखाया गया? हम वही शक्ति हम में है और हम खुद को प्राथमिकता नहीं देते हैं। हम मूर्ति पूजा में विश्वास रख लेंगे पर उस मूर्ति पूजा का पीछे का उद्देश्य हम भूल गए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मूर्ति पूजा सही नहीं है या नहीं करना चाहिए, अपने अपने अलग अलग आध्यात्म की अलग अलग चीज़ें हैं, इन सब से मेरा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है आपको ना कंफ्यूज करना, ना ही उससे हटाना, और ना ही उसमें आपको और जाके देना कि नहीं आप यही करना। मैं एक सामान्य लोगों के लिए एक सामान्य भाषा में बस यही उद्देश्य, यही मेरा एक इरादा है, या मैं यही चीज़ मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि यू आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएटर इन द वर्ल्ड। आप वही शक्तिशाली जीव हो, आप में वही आत्मा है जो आपके ईश्वर में है। आप उसको मानो, उसकी पूरी तरह से सेवा करो, आपका जैसा मन हो, जिस तरीके के आप उनको भजना चाहते हो, आप फिजिकल रूप में, मेंटल रूप में, जैसे भी, या थैंक यू बोल के प्रेयर करो, कुछ भी करो,
बट अपने आप को प्राथमिकता दो, अपने आप को उनका अंश समझो और अपने उस पावर को जगाओ। और वो कैसे जगेगा? जिस दिन आप अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू करोगे कि मैं जो चाहता हूँ मैं वही सोचूंगा, मैं जो चाहता हूँ मैं वही महसूस करूंगा, जो मैं व्यवहार, जो मैं काम करना चाहता हूँ मैं वही करूंगा। और कैसे? अवेयरनेस के साथ, जिद के साथ नहीं, सही गलत के निर्णय के बिना नहीं, विवेक और बुद्धि के साथ, क्योंकि ईश्वर में विवेक और बुद्धि का ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन शक्ति है ये भी। उसके लिए अवेयर रहना, किसी भी चीज़ के पीछे अंधाधुंध होके नहीं भागना कि यही फोकस है, यही इतना ही पैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट यही घर होना चाहिए, एग्जैक्ट यही कार होनी चाहिए, एग्जैक्ट यही पर्सनल रिलेशनशिप में यही व्यक्ति होना चाहिए। नहीं, हो सकता है उसके बाजू में जो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है उससे थोड़ा सा कम लेवल आपके लिए अच्छा हो सकता है उससे और अच्छी चीज़ आपके लिए वेट कर रही हो। तो अवेयर होना मतलब सोच समझ के आपको माइंडफुल की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देखना बोलते हैं ना, एक जो बहुत बड़ा जो लार्ज विजन है उसको देखने की शक्ति होना, सब तरीके से देखना है आपको, और फिर एक उसमें से एक सच चीज को चुनना, और वो आप तभी चुन पाओगे जब खुद पे ध्यान दोगे। तो आज से खुद को प्राथमिकता कैसे देना है? सबसे पहली बात तो आप सबसे पहले अपना ध्यान रखोगे, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपने जो भी गोल डिसाइड किए कि मुझे ये घर चाहिए, ये कार चाहिए, उसमें सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए कि आज से मैं अपना ध्यान रखूंगी, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले अपना ध्यान रखूंगी, बाद में अपने परिवार वालों का ध्यान रखूंगी, बाद में इस दुनिया का ध्यान रखूंगी। और जो ये दुनिया चाहती नहीं है, दुनिया क्या चाहती? पहले दुनिया का ध्यान रखो, दुनिया में ये आइडियल है, यही रास्ता है। जैसे वो रहता है ना, एक बच्चों के गेम में आता है ना गोल, ऐसा कि आपको लक्ष्य वहीं पे डॉट मारना है, वो जो रेड निशान है वहीं पे ही लगना चाहिए, दुनिया ने बोला वहीं पे ही लगाओ। अरे हमें नहीं चाहिए भैया, वो गोल हमारा नहीं है, हमें कहीं और लगाना है। आप में हिम्मत है कि आप मेरा गोल लगा सकते हो? तो आप लगा के बताओ। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जब आप खुद का ध्यान अच्छे से रख पाओगे तो आप परिवार वालों का ध्यान रख पाओगे, और फिर आप दुनिया का भी ध्यान अच्छे से रख पाओ, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसा रहना चाहते हो, कैसा महसूस करना चाहते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता है। चाहे वो कितना भी, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके परिवार वाले हो, चाहे आपके कोई माता पिता से ज़्यादा बड़ा और कौन होगा, तो वो भी आपको नहीं ये कर सकते, ये सिर्फ आपको खुद करना है। तो आज से सबसे पहले आप कैसी सोच सोचना चाहते हो? अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो तो आज ही चेंज कीजिए, नहीं, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाइए खुद के लिए। रोज़ 5 मिनट का समय निकाल के खुद को मिरर में देखते हुए बोलिए, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, मैं यहाँ अपने पसंद का जीवन जीने के लिए आया हूँ और मैं वही जीऊँगा, आई एम इनफ। आप अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशन बनाइए और खुद डिसाइड कीजिए, अपने हर फैसले आप खुद लीजिए और अवेयरनेस के साथ लीजिए, किसी भी दूसरी इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं लीजिए। आप सलाह सबकी लीजिए पर सुनिए, करिए अपने दिमाग की, अपने दिल की, तब जाके आप सच में खुश रह पाओगे। और हर चीज़ में अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना है आपको, और जब आप खुद की प्राथमिकता खुद डिसाइड करने लगोगे तब आप खुद मैग्नेटिक बन जाओगे, तब लोग खुद आपके पास अट्रैक्ट होके आने लगेंगे, क्योंकि लोग उनको ही पसंद करते हैं जो पावर उनके पास, खुद का पावर खुद के पास रहता है। आप देखो किसी भी ऐसे लोगों के पास कौन जाएगा कुछ सलाह लेने जिसको खुद के लिए कुछ डिसीजन लेने नहीं आते, और अगर गलत ले भी लिया तो उसको सही डिसीजन बनाना। जैसे रतन टाटा ने भी ये बोला है कि मैं पहले डिसीजन ले लेता हूँ, उसको बाद में सही बनाता हूँ। तो उस व्यक्ति की आज दुनिया, हम खुद देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, दुनिया उसकी तारीफ करती है जो खुद में पावर रखता है, और वो पावर कब आएगा? जब आप खुद के बारे में सोचने लगोगे। तो आई होप दिस वीडियो विल
डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे मैग्नेटिक बनोगे, कैसे एनर्जेटिक रहोगे, कैसे एक्शन टेकर बनोगे, कैसे खुद का ख्याल रखोगे। और आज से यही करना है कि पहले खुद को एनालाइज करो, खुद से प्यार करना शुरू करो, खुद क्या चाहते हो उसके बारे में लिखो, जर्नलिंग करो, वैसी एक्टिंग करने की कोशिश करो जो मिलियनेयर बिलियनेयर बनना चाहते हो उसके पहले उनके मेंटोर टोनी रॉबिन के मेंटोर जिम रॉन उनके मेंटर टोनी रॉबिन के, वो भी बोलते हैं कि मिलियनेयर बनने से पहले एक्ट लाइक अ मिलियनेयर, ड्रेस लाइक अ मिलियनेयर, थिंक लाइक अ मिलियनेयर, बिहेव लाइक अ मिलियनेयर और आप वहाँ पहुँच जाओगे। ये फिजिकल रियलिटी में अभी आपके पास क्या सिचुएशन वहाँ रह के नहीं सोचना है, आप जो बनना चाहते हो वो ऑलरेडी बन गए हो उस जगह पे हो और फिर वहाँ से सोचना शुरू करो, आप सब कुछ बदल जाएगा। यस माई डियर फ्रेंड, और यही तो दुनिया चाहती नहीं कि आप पहले खुद को प्रायोरिटी दो। तो ये वीडियो भी आपकी मदद करेगा और आज से सबसे पहले प्रथम स्थान खुद को दो और देखो दुनिया कैसे आपके पास खुद खींची चली आएगी। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक के वीडियो में, तब तक।